हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी हाँ। तो हम लोग 2024 में हराएंगे इसको, मोदी सरकार को। जो कर्मचारी कमा के दे रहा है उसकी पेंशन बंद करेंगे, उनको वेतन भी नहीं देंगे। सरकार का 70 साल का उम्र हो गया उसको पेंशन चाहिए, जिसका 30 साल उम्र उसको पेंशन नहीं चाहिए। सरकार के कंपनी सरकार ने अपने घर से बनाई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, किसी मोदी की नहीं है, किसी अमित शाह की नहीं है। राशन तो दे रहे ना 5 किलो, सरकार अपने घर से दे रही है। वो खेत में हल चलाने जाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जाते हैं हल चलाने के लिए? हम जाते हैं हल चलाने के लिए। अगर 4G 5G हमको नहीं मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर वाले दूसरे वाले तो उनको 4G 5G मिल जाती है, BSNL क्यों नहीं मिलती? सरकारी कर्मचारियों के तो राशन कार्ड ही नहीं है, इन्होंने सबसे पहले बंद किए हैं। इंश्योरेंस का पैसा हमारी सैलरी से काट लिया, वहाँ नहीं पहुँचा, सारे पेमेंट रुक गए, पेंशनरों की तक पेंशन रुक गई। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आप मेरे पीछे तमाम भीड़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं BSNL को लेकर, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मांगे हैं, क्या कहना है इसका। सर स्वागत है, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन चल रहा है? ये आपको पता नहीं है क्यों चल रहा है? सर आप बताइए ना, आप समझाएंगे ना। हमारा वेज रेजन नहीं मिला 2017 से, उसके अगेंस्ट धरना दे रहे हैं। क्यों नहीं वार गवर्नमेंट नहीं देना चाहती? और क्या मांगे? और तो 4G 5G की मांगे। सर आपको सैलरी टाइम पे मिल जाती है? अब तो मिलने लग गई, पहले नहीं मिलती थी। तो जब सैलरी टाइम पे मिल गई है तो आपको क्या लेना देना? सरकार की कंपनी है, सरकार को नहीं लेना देना, तो और किसको लेना देना है? सरकार की कंपनी है ना, क्या करना है? सरकार की कंपनी है, सरकार ने अपने घर से बनाई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, है कि नहीं जी? तो सरकार की नहीं है, किसी मोदी की नहीं है, किसी अमित शाह की नहीं है। मेहनत से कमा के खाया है हमने, मेहनत से डिपार्टमेंट को ऊपर के मतलब के ऊपर चढ़ाया है। आज अगर हमको वेज रेजन नहीं मिलेगा तो सबको मिलता है, क्यों नहीं मिलता हमको? 4G 5G की मांग है, क्या उससे आपको क्या लेना? प्राइवेट क्यों नहीं लेना देना? अगर 4G 5G हमको नहीं मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर वाले दूसरे वाले तो उनको 4G 5G मिल जाती है, BSNL क्यों नहीं मिलती? BSNL क्या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है? उसको बराबर दे दो, फिर कंपटीशन देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। कंपटीशन करनी है आपको? बिल्कुल करनी है। किससे कंपटीशन है? जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन से। क्यों करनी है कंपटीशन? क्यों, हमारे ग्राहक टूटते ना अगर अगर 4G 5G हमको नहीं देंगे तो हमारे कौन आएगा ग्राहक? तो सर आपको खाना मिल रहा है, सैलरी मिल रही है समय पे, सरकार राशन दे रहा है, आपको क्या करना है? जो भी मंत्री को मिल रहा है, क्यों क्यों कर हजारों करोड़ों का गबन कर रहे हैं? खाना तो इनको मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, बताइए। खाना तो इनको मिल रहा है, ये भूखे मरेंगे सड़क पे बैठे हैं? हम तो सड़क पे बैठे हैं, हमको 10 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गई वेज रिविजन नहीं दे रहे, भूखे तो हम मर रहे, ये थोड़ी मर रहे हैं। वेज रिविजन क्या है सर? ये अपना ये जो तनख्वाह हर 10 साल में मतलब क्या है बढ़ती है वो वेज रिविजन होती है। आज हमारा DA 205% हो गया, जबकि गवर्नमेंट के ऑर्डर थे कि 100 से ऊपर जाते ही मर्ज हो जाता था, आज नहीं हो रहा, 205% DA हो गया है। किसी PSU में इतना DA आज तक? यह है सर, पहली जो सरकार थी कांग्रेस की, 9 साल पहले जो सरकार थी और अब की जो सरकार है, इसमें क्या अंतर है? हमको सरकार से किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, हमको हमारी डिमांड पूरी करवानी है आपकी। मैं वही पूछ रही हूँ कि पहले जो BSNL था, पहली सरकार में, पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर आ गया? अंतर ये आ गया ना, ये कुछ देते ही नहीं है, इन्होंने बोनस बंद कर दिया, वेज रिविजन बंद कर दिया, राशन तो दे रहे ना 5 किलो, सरकार अपने घर से दे रही है। वो खेत में हल चलाने जाते हैं सरकार नहीं, वो खेत में हल चलाने जाती है गवर्नमेंट, वही पैदा करती है गवर्नमेंट, हम करते हैं खेतों में काम, हम देते हैं पैदा करके, वो जाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जाते हैं हल चलाने के लिए? हम जाते हैं हल चलाने के लिए, हम पैदा करते हैं, क्या भाव लेते हैं हमसे गवर्नमेंट? MSP पे दिए इन्होंने, MSP दिए क्या? ये ऐसी झूठी सरकार जो MSP के आकर के MSP नहीं दे रही, क्या मिलता है हमको?
और उस राशन को दे के ये कह रहे हम दे रहे हैं, इनके इनके घर से दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे लोगों का कहना है कि सरकार राशन भी दे रही है, अपने घर से तो नहीं दे रही है, सरकार का काम है ये। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सरकार राशन कर्मचारी को नहीं दे रही है जी। और कर्मचारी को राशन देगी क्या? ये सरकारी कर्मचारियों के तो राशन कार्ड ही नहीं है, इन्होंने सबसे पहले बंद किए हैं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सरकार राशन दे रही है? राशन दे रही होगी जिन्हें दे रही होगी। सर सरकार का कहना है कि सरकारी बीएसएनएल जो है सरकार की कर... सरकार बीएसएनएल के नहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी का राशन कार्ड नहीं है। आप सवाल सुन लीजिए, बीएसएनएल जो है सरकार चला रही है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि हम आपको टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, सैलरी लो और जाओ। अपना वेतन कैसे जो है हर साल बढ़ा लेते हैं बैठ के वहाँ पे? हमें पेंशन चाहिए, जो सरकार का 70 साल का उम्र हो गया उसको पेंशन चाहिए, जिसका 30 साल उम्र उसको पेंशन नहीं चाहिए। वो पेंशन किस बात की लेते हैं? क्या करते हैं देश के लिए? वो बैठ कर खा के चले जाते हैं। जो कर्मचारी कमा के दे रहा है उसकी पेंशन बंद करेंगे, उनको वेतन भी नहीं देंगे है? क्या किया इसने? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी विरोधी आई है तो यही आई है, इससे ज्यादा विरोधी कोई गवर्नमेंट नहीं है। क्या 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 अपराध किया है बताइए? क्यों विरोध में क्या नहीं किया इसने? क्या किस गवर्नमेंट कर्मचारी के विरोध में किया? अब तो सेना के भी संग गेम खेल गए जी। अब क्या है, 4 साल के लिए लड़का जाएगा वहाँ, उसके बाद में जो कमा के लाएगा या तो हमारी रिश्वत में देकर द्वारा भर्ती हो जाएगा, और ना तो अपने घर आकर के बैठेगा। कह रहे हैं सेना में नए लोगों की, नए खून की जरूरत है। नए खून की जरूरत है, नए खून 4 साल में ही है, 4 साल रहेगा बस, फिर बाकी क्या करेगा? फिर क्या होगा वो जब निकलेंगे तो? निकल कर वो मालूम क्या करेगा, जब उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगा ना तो बीच चौराहे पे भूनेगा, वो ट्रेंड होकर के इतना ट्रेंड हो जाए आ जाएगा। ये जनहित की आवाज है ना, इससे 4 साल बाद आपको निकाल देंगे, आप क्या करोगे बताइए? जरा बताइए क्या करोगे आप? सर जनता आपसे जानना चाहती है, आप बताएं। है आप बताएं। हम तो क्या, ये मतलब भ्रष्ट गवर्नमेंट है जी। राजस्थान में तो आपको उखाड़ के फेंकेंगे। भ्रष्टाचार बताएं क्या क्या है? भ्रष्टाचार क्या? सारे भ्रष्टाचार कर रखे इन्होंने, क्या नहीं कर रखा? गिनवाइए ना, वो तो अपने अच्छे काम गिना रहे हैं आप, भ्रष्टाचार। क्या अच्छे काम है क्या उनके पास? झूठ बोलने के अलावा कोई अच्छे काम नहीं, झूठ बोलने के अलावा कोई अच्छे काम नहीं। आपने कहा राजस्थान में उखाड़ फेंकेंगे, कैसे उखाड़ेंगे? कैसे उखाड़ेंगे? अब उखाड़ रखिए, फिर आगे उखाड़ देंगे दिसंबर में, फिर उखाड़ देंगे। हाँ कैसे, क्या कोई रणनीति तैयार की है? कर रखी है ना हमने रणनीति तैयार। क्या रणनीति है? इनको भगाएंगे कहाँ से, दौड़ाएंगे, इनको घुसने दे देंगे गाँव में हम, बीजेपी वालों को। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही बात है कि अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी तो हम लोग 2024 में हराएंगे इसको, मोदी सरकार को। बिल्कुल कैसे हराएंगे, क्या रणनीति है? अरे जब हमारी डिमांड नहीं पूरी करेंगे तो हमें सरकार क्या जरूरत हमें रखने की, हम नहीं हराएंगे। कमीशन भी अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, और सभी स्टैग्नेशन पर फंसे हुए हैं, तो सारी समस्याएं तो इसी चक्कर में तो लोग पड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं जी। और 2017 से हमारा पे कमीशन रिव्यू लागू था और अब 23 खत्म होने जा रहा है, साढ़े छः साल के करीब हो गया जी। अभी तक ना तो पे कमीशन गवर्नमेंट दे रही है, ना ही न्यू प्रमोशन पॉलिसी की दोहरी नीति नीति कर रखी है, जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पॉलिसी अलग है और नॉन एग्जीक्यूटिव की अलग है, तो उसके लिए भी डिमांड है। सर अगर कंपेयर करें पिछली सरकार और अब की सरकार में तो बीएसएनएल में क्या चेंजेस आए हैं, क्या देखिए एम्प्लॉई के लिए तो हमेशा कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए बिना उसके नहीं सुनती है, लेकिन इस मोदी गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल किनारे पर रख दिया बहुत ज्यादा जी। इसने तो हद से पार कर दिया। क्या क्या तकलीफें बढ़ा दी? तकलीफ सारी है, एक तो पे कमीशन रिवाइज नहीं हो रही, स्टैग्नेटेड हो गए लोग, कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, अभी तक सभी लोग बिना इंक्रीमेंट के काम कर रहे हैं, और प्रमोशन पॉलिसी हमारी जो है वो लागू नहीं हो रही है, तो सारी। और बीएसएनएल को डुबोने का तरीका इनका 4G स्पेक्ट्रम और 5G स्पेक्ट्रम देने की बात थी, वो भी नहीं दे रहे हैं, और कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो 5G 6G शुरू करने जा रही है, तो पूंजीपति। आप सरकार के यहाँ कर्मचारी हैं, सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं, सरकार आपको सैलरी दे रही है, आपको सैलरी लेना है, घर जाना है, आपको क्या जरूरत है कंपटीशन करने की? अरे भाई तनख्वाह, हमें जो सैलरी तो
मिल नहीं रही ना, वही तो समस्या है। आपके कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम से सैलरी आती है। नहीं नहीं, टाइम से आती है, उन्हें ये नहीं देख रहे कि वो कितनी आती है। आज हमारी जो सैलरी 50,000 रुपए है वो 1,00,000 रुपए होनी चाहिए थी जी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। वेज रिवीजन के हिसाब से 2017 से पे रिवीजन हो जाती, और पे रिवीजन हो जाती तो लोग स्टैग्नेटेड हो रहे हैं। वो क्यों होते, इंक्रीमेंट लगते, उन्हें पेंशन भी अच्छी मिलती और आगे चल के सैलरी भी अच्छी मिलती। अब सैलरी 50% मिल रही है। अब 80,000 लोग हमारे ऑल ओवर इंडिया में BRS पर चले गए, अब 30,000 लोग इनके पास रह गए। इनके लिए 50% सैलरी टाइम से शुरू कर दी तो कोई खास बात थोड़ा ही उसमें। ये तो अब शुरू कर दिया इन्हें BRS के बाद, 80,000 लोग तो चले गए इसी हादसे की वजह से। प्रताड़ित किया गया, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से प्रताड़ित किया है लोगों को। भाई आपको ये टारगेट दिए जाएंगे, आप काम कर सकते हो तो रहिए, नहीं तो मत रहिए। और 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आई लोगों की। साफ तौर पे कह दिया काम कर सकते हो तो रहिए वरना जाइए, ये भी कह दिया गया। और ये कह दिया गया भाई 3 महीने तक सैलरी है ही नहीं, पैसे नहीं है। किसी 3 महीने तक हमारी सोसाइटी जो अपनी प्राइवेट सोसाइटी बना रखी थी उनको पैसा सैलरी से काट लिया, उन्हें नहीं दिया। इंश्योरेंस का पैसा हमारी सैलरी से काट लिया, वहाँ नहीं पहुँचा। सारे पेमेंट रुक गए, पेंशनरों की तक पेंशन रुक गई। ग्रेचुटी रिटायर जो एक्चुअल रिटायर्ड हो रहे हैं 60 साल की एज में, उनको ग्रेचुटी तक का पेमेंट नहीं मिला। इतना तबाह कर दिया था। इसी वजह से लोगों ने 80,000 लोग BRS चले गए 2020 में, जनवरी 2020 से। तो जैसा कि आपने सुना कि गवर्नमेंट ने इतना तबाह कर दिया इनको कि 80,000 लोग छोड़कर चले गए। वहीं जो वेज रिवीजन है, अगर वो हुआ होता, 6 सालों से रुका हुआ है, अगर वेज रिवीजन हुआ होता तो जिनकी सैलरी आज 50,000 है वो अब तक 1,00,000 रुपये होती। इसी के साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार है वो BSNL को डुबोना चाहती है, क्योंकि उसे प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा वैल्यू देना है, इसलिए BSNL पर ध्यान नहीं देती और 4G 5G नहीं करना चाहती। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज।